हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जो कि है रेबल मून अ चाइल्ड ऑफ फायर। ये इसका पार्ट वन है और अभी ये नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पे है। ये स्टार वॉर्स जैसी एक अमेरिकन स्पेस ऑपरा फिल्म है जिसको जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया है। बहुत सारा एडवेंचर और एक्शन है इस मूवी में, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पेसशिप को अंतरिक्ष में और हमें ये बताया जाता है कि मदरवर्ल्ड नामक एक प्लैनेट पर हजारों किंग्स का रूल चलता था और मदरवर्ल्ड के किंग ने धीरे धीरे एक एक करके ब्रह्मांड के सारे जगह पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक महाराजा और महारानी की हत्या हो गई। ठीक तभी बेलिसारियस नामक एक सेनेटर ने खुद को राजा घोषित कर दिया। फिर उसको जब पता चला कि दूसरे प्लैनेट्स में लोग एक रेवोल्यूशन करने के बारे में सोच रहे थे, तब उसने अपने सबसे काबिल सैनिकों को ब्रह्मांड के अलग अलग जगह भेज दिया ताकि वो इस चीज़ को रोक सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूर एक प्लैनेट पर जहां हम देख पाते हैं एक लड़की को खेती करते हुए। हमको पता चलता है कि इस लड़की का नाम कौरा है और ये एक लीड कैरेक्टर है इस मूवी की। तभी हम देखते हैं वहां पर गनर नाम का एक शख्स आता है और उसको बताता है कि दावत के लिए उसे बुलाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों और गांव के और भी लोग मिलकर दावत खा रहे होते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कौरा और कुछ और लड़कियां मिलकर जब खेती बाड़ी का काम कर रहे होते हैं, तब अचानक उनको आकाश में एक स्पेसशिप नजर आता है। ये देख के कौरा जल्दी जाके एक बेल बजाने लगती है और सबको अलर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंच जाते हैं और वो देख के वो लोग एक मीटिंग करते हैं। गांव के मुखिया उन लोगों से कहते हैं कि उसे पता है कि ये लोग मदर वर्ल्ड से आए हैं और उनसे खेती बाड़ी करवाएंगे और उनका सब कुछ ले जाएंगे। तभी वहां पर गनर आके बोलता है कि अगर वो उन लोगों से सौदा करता है तो उन लोगों को अच्छा दाम मिलेगा जिससे कि वो और भी इक्विपमेंट खरीद पाएंगे, उससे कि उनकी खेती बाड़ी भी इम्प्रूव होगी और भविष्य में वो और भी ज्यादा इक्विपमेंट खरीद पाएंगे। लेकिन तभी ग्राम का मुखिया कहता है कि वो लोग इनसे सौदा करने नहीं बल्कि और ज्यादा गुलामी करवाने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को वो खुद ही हैंडल करना चाहता था और बाकी सबको चुप रहने के लिए बोला। तभी कुछ मदर वर्ल्ड के लोग वहां पर उतरते हैं और उनके लीडर का नाम होता है नोबेल। नोबेल जब ग्राम के मुखिया को उसके ग्राम के बारे में पूछता है तब वो बताता है कि वो सब मिलकर यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं और अनाज उगाते हैं जिससे कि उनका दिन चलता है। ये सुन के नोबेल कहता है कि उसके सैनिकों के खाने के लिए उसको भी बहुत सारा अनाज की जरूरत है। लेकिन ये सुन के ग्राम के मुखिया सेंट्री कहते हैं कि उनके पास ज्यादा अनाज देने के लिए नहीं है, उनके लोगों को खाने के लिए जितना अनाज चाहिए हर बार सिर्फ उतना ही अनाज उगता है उधर। लेकिन तब गनर कहता है कि उनके पास थोड़ा सा अनाज रह गया है जो कि एक्सेस में है और वो उनको वो बेच सकता है। तभी नोबेल को पता चल गया था कि ग्राम के मुखिया ने उसको झूठ बोला था और इनके पास बहुत सारा अनाज है। और ये समझने के बाद नोबेल को गुस्सा आता है और वो अपना डंडा उठा के सेंट्री के सर पे मारता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सारे ग्रामवासी डर जाते हैं और फिर नोबेल उनको कहता है कि उनके पास 9 हफ्ते है उसको 10 टन अनाज देने के लिए, और ये कहकर वो अपने कुछ सैनिकों को यहाँ छोड़कर चला जाता है। इसके बाद ग्रामवासी डिसाइड करते हैं कि वो लोग पूरी दम से खेती बाड़ी करेंगे और उन लोगों को जितना अनाज चाहिए वो डिलीवर करेंगे। इससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा और पैसे भी आएंगे जिससे उनकी टेक्नोलॉजी भी उन्नत होगी। लेकिन कौरा इस काम के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग उनसे बहुत सारा काम भी करवाएंगे लेकिन बदले में उनको कुछ भी नहीं देंगे। इसीलिए उसने सोचा था कि वो एक रेवल्स की टीम बनाएगी जो कि मदर वर्ल्ड के अगेंस्ट फाइट कर सके। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होती है रात में और हम देखते हैं कि ग्राव की एक लड़की उन सोल्जर्स को पानी पिलाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। तभी कौरा वहां पर पहुंच जाती है और उनको ये सब करने से रोकती है। तभी उन लोगों में घमासान फाइट होती है और कौरा और एक अच्छा सोल्जर मिलके उन सबको मार देते हैं। अगले सीन पे हम देखते हैं कि कौरा गनर से पूछती है कि क्या उसको ये पता है कि वो सारे रेबल्स कहाँ मिलेंगे, क्योंकि गनर ने पहले भी उन रेबल्स को उनका अनाज बेचा था और गनर उसको वहां पर ले जाने के लिए राजी था। फिर वो दोनों एक साथ खोज पे निकल पड़ते हैं रेबल्स की। ये लोग कुछ देर चलते चलते ही रात हो जाती है और जब वो लोग एक साथ एक जगह पर बैठते हैं तो कौरा गनर को अपनी बैक स्टोरी बता
जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि बेलिसारियस ने उसके होम प्लैनेट पे एक बार अटैक कर दिया था और वहाँ पर तबाही मचा दिया था और सारे लोगों को भी मार दिया था, लेकिन किसी कारण से उसने पोरा की जिंदगी को बख्श दिया था और उसे अपने साथ अपने प्लैनेट पे ले गया था और उसे उनके सैनिकों की तरफ ट्रेनिंग भी दिया था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे ये लोग चलते चलते पहुँचते हैं एल्डेड नाम के सिटी में, लेकिन ये लोग जिसको ढूंढ रहे थे उसको ऑलरेडी मदर वर्ल्ड के लोगों ने पकड़ लिया था। तभी वो लोग सोचते हैं कि वो लोग इस शख्स को छोड़कर जनरल टाइटस को ढूंढेंगे, जो कि उन लोगों के साथ मदर वर्ल्ड की अगेंस्ट फाइट करने में बहुत हेल्प करेंगे। तभी वो लोग एक शॉप में घुसकर पूछताछ करने लगते हैं कि किसी को जनरल टाइटस के बारे में कुछ पता है या नहीं। ये सुनकर एक शख्स ये बताते हैं कि उसको पता है कि जनरल टाइटस पोलक्स नाम के एक ग्रह पर है। तब ये दोनों सोचने लगते हैं कि इनके पास तो कोई स्पेसशिप नहीं है जिससे वो दूसरे ग्रह पर जा सके। तभी वहाँ पर दूसरा एक शख्स आके कहता है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली है और उसके पास एक स्पेसशिप भी है। तभी कौरा बताती है कि स्पेसशिप की तो उन्हें जरूरत है, लेकिन उसके अगेंस्ट देने के लिए कोई पैसे उनके पास नहीं है और वो सिर्फ अपना अनाज ही दे सकते हैं उसको। ये सुनकर वो शख्स मान जाता है। तब ये तीनों मिलकर उसके स्पेसशिप में चल पड़ते हैं पोलक्स प्लैनेट की ओर। स्पेसशिप में जाते टाइम कोरा काय को बताती है कि वो एक रेबल टीम बनाने की कोशिश कर रही है जो कि मदर वर्ल्ड के अगेंस्ट फाइट कर सके। तभी काय कहता है कि मदर वर्ल्ड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी और एक आर्मी बनानी पड़ेगी और वो ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो कि आर्मी बनाने के लिए परफेक्ट है। ये कहकर वो एक दूसरे प्लैनेट की ओर चल पड़ते हैं और वहां जाकर वो एक आदमी से मिलता है जिसके पास एक दासी है जो कि उसके लिए काम करता था, लेकिन वो दासी एक फाइटर भी था इसीलिए इन लोगों को उसकी जरूरत थी। तो वो सभी मिलके एक डील करते हैं कि अगर ये दासी एक क्रिएचर को कंट्रोल कर पाए और उसके ऊपर सवारी कर पाए तो उसे वो आदमी छोड़ देगा, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसकी सवारी कर भी लेता है। फिर वो चारों मिलके चढ़ पड़ते हैं स्पेसशिप में और चल जाते हैं दूसरी प्लैनेट की ओर। इसके बाद काई बताता है कि उसके जानकार में एक और औरत है जो कि हमेशा से मदर वर्ल्ड के खिलाफ है, और वो लोग पहुंच जाते हैं नेमेसिस नाम के एक औरत के पास। हालांकि पहले तो ये औरत इनको इनकार कर देती है मदद करने से, लेकिन इसके बाद जब गनर जाके एक बच्चे की मदद करता है, एक फाइट में से उसको निकालता है, तब ये औरत उसकी बहादुरी को देखकर राजी हो जाती है। इसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं जनरल टाइटस की प्लैनेट की ओर। रास्ते में कोरा एक और कहानी बताती है जिसमें वो जब मदर वर्ल्ड के लिए काम करती थी तब वो ईसा यानी कि रॉयल फैमिली के प्रिंसेस के भी दोस्त थी और उसको ये पता चला था कि ईसा के पास हीलिंग पावर्स भी है जिससे कि पूरी दुनिया को बदला जा सकता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं ये लोग दूसरी प्लेनेट पर ढूंढते ढूंढते जनरल टाइटस के पास चले आते हैं, लेकिन तभी सभी देखते हैं कि जनरल टाइटस की हालत बहुत खराब है और सबको थोड़ा डाउट होता है कि क्या ये युद्ध कर पाएगा, लेकिन जनरल टाइटस कहता है कि उसे इस युद्ध का कोई पार्ट नहीं बनना और कौरा को यहां से चली जाने के लिए कहती है। लेकिन कौरा तब उसे याद दिलाती है कि युद्ध में उसके बहुत सैनिकों की जान भी चली गई थी और अभी खुद के लिए ना सही लेकिन उसे उनके लिए लड़ना होगा। ये सुनके जनरल टाइटस उत्साहित हो जाता है और वो लड़ाई करने के लिए राजी हो जाता है। अभी इन लोगों को तलाश थी कुछ अच्छे वेपन्स, गन्स और इक्विपमेंट्स की, इसीलिए ये लोग प्लैनेट शरण की ओर चल पड़ते हैं जहाँ किंग लेविटिका का राज था, क्योंकि वहाँ पर रेबल्स के दो इम्पोर्टेंट लीडर डेवरा और ब्लडक्स भी मौजूद थे। और हमको ये भी पता चलता है कि गनर ने जिनको अनाज बेचा था वो यही लोग हैं, लेकिन इस बार इन दोनों को गनर का अनाज नहीं चाहिए था क्योंकि किसी और के साथ इन लोगों का सौदा ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन कोरा कहती है कि उनको इन दोनों की और इनकी आर्मी की जरूरत है क्योंकि ये लोग मिलकर रेबल्स की एक टीम बना रहे हैं जो कि मदर वर्ल्ड की अगेंस्ट फाइट कर सके। तो उन दोनों में से ब्लडएक्स राजी हो जाता है और वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर उनके साथ चला जाता है। जब ये लोग वापस जा रहे थे तो काई कहता है कि उसको कहीं पर एक डिलीवरी भी करना है और वो कहता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी डिलीवरी होगा। ये कहकर वो उन लोगों को वहां जाने के लिए मना लेता है, लेकिन ये उसकी एक चाल होती है क्योंकि उसने ऑलरेडी नोबल को कॉल कर दिया था कि वो इन सबको लेकर उस प्लैनेट की ओर जा रहा था और उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसको पैसों की लालच थी। और जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो काई ने ऑलरेडी उनको रोबोट्स की मदर से जकड़ के रख दिया था। तभी नोबल भी वहां पर पहुंच जाता है। तब काई गनर को कहता है कि उसे ही कौरा को मारना पड़ेगा। वो कौरा को मारने ही जा रहा था लेकिन अचानक वो पलट कर काई पर गोली चला देता है और उस मशीन से कौरा को आजाद कर देता है। तभी वो दोनों मिलकर मदर वर्ल्ड के लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके खुद के लोगों को आजाद करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक घमासान लड़ाई।
सारे रेबल्स इकट्ठे होकर नोबल के आदमियों से फाइट करते हैं और ये फाइट बहुत देर तक चलती है। और इसी के बीच हम देखते हैं कि ब्लड एक नोबल की शिप पर कूद जाते हैं और उसको जो कंट्रोल कर रहा था उसकी छाती पर एक रॉड को घुसेड़ देता है, लेकिन ये करते हुए वो खुद भी मारा जाता है। और तभी स्पेसशिप असंतुलित हो जाती है और वो स्पेसशिप नोबल के लोगों पर आके गिरती है और उसके सारे लोग मारे जाते हैं। इस मूवी की आखिरी फाइट सबसे इंटरेस्टिंग थी, जो कि थी कोरा और नोबल के बीच में। इन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है और पहले तो हम देखते हैं कि नोबल कोरा पर भारी पड़ रहा था और उसके पास वो छड़ी भी था। फाइट करते करते कोरा को नोबल के डंडे का टुकड़ा मिल जाता है और वो उसे ही उसके छाती पर घुसेड़ देता है और हम देखते हैं कि नोबल बहुत ऊपर से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि रेबल्स के सारे लोग ब्लड एक्स को छोड़कर जिंदा थे और ये सभी लोग मिलकर कोरा के होम प्लेनेट पर लौट आते हैं। इस कहानी के एंड में हम देखते हैं कि नोबल की बॉडी रेस्क्यू की गई है और उसकी बॉडी अब मदरवर्ल्ड की किसी शिप पर है, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो कनेक्ट हो जाता है बेलिसेरियस के साथ और वो उसे बताता है कि आपको जिस लड़की की तलाश बहुत दिनों से थी वो उसको मिल चुकी है। और वो ये भी बताता है कि कोरा एक रेबल्स की टीम बना रही है मदरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए और कहता है कि उसको सिर्फ एक और मौका चाहिए और वो उस लड़की को बेलिसेरियस के सामने हाजिर करेगा। ये सुन के बेलिसेरियस गुस्से से राजी हो जाता है और वो चेतावनी भी देता है कि अगर वो इस बार नाकामयाब हो जाता है तो उसको फांसी हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वो फिर से अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और उसके बॉडी में जिंदा हो जाता है और ये भी यही परी समाप्त होता है। ये सिर्फ पार्ट वन ही था दोस्तों, तो इसका मतलब कि इसके और भी पार्ट्स आगे आएंगे। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना और मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।